हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे हैं कि सर हमारा तो सेल्स हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है और क्या हम अपने अंदर चेंजेस ला पाए जिससे हमारा सेल ग्रोथ हो। हम कोई भी प्रोडक्ट जब बाहर बेचने के लिए जाए तो प्रोस्पेक्ट जो है, कस्टमर जो है, जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर ले और हमारा प्रोडक्ट खरीद ले ताकि हमारा बिजनेस ग्रोथ हो। और वो स्किल कैसे हम अपने डाउनलाइन को भी सिखाए, अपने टीम मेंबर्स को सिखाए, ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने अंदर वो स्किल डेवलप करेंगे, क्या क्या क्वालिटी अपने अंदर चेंज करना है, उस स्किल को आपको एक्वायर करना है, सीखना है और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, अपने सेल्स के फील्ड में इंप्लीमेंट करना है। अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, MLM कंपनी में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, किसी सेल्स फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ चेंजेस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो प्रोस्पेक्ट आपको देखते ही झट से एक्सेप्ट कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं KK सिन्हा, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूं। वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले आपको याद दिला दूंगा कि मेरा जो दोनों बुक, आप अमीर बनना चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग उसे इसमें कैसे मचाए दूं, अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, Amazon और Flipkart में अवेलेबल है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आप अगर अच्छे और बेस्ट सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेवलप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पहला नंबर पॉइंट मैं बताता हूँ, यू हैव टू डेवलप योर फिजिकल क्वालिटी। जी हाँ, अपने फिजिकल क्वालिटी को आपको डेवलप करनी ज़रूरी है। क्या है फिजिकल क्वालिटी? लुकिंग गुड, गुड लुकिंग, आपको अच्छा दिखना चाहिए। देखिए, ये देखना क्यों अच्छा चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाएंगे, अगर आप गंदा दिख रहे हैं तो वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जो आंखों से देखता है वही बिकता है, ठीक है। पहले उसके आंखों को एक्सेप्ट करना चाहिए, आंखों के थ्रू उसके ब्रेन में वो एक्सेप्टेंस जाएगा, आपको पसंद आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छा दिखना चाहिए, आपके पास एक अच्छा ड्रेस हो। अच्छा ड्रेस मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप महंगा ड्रेस ही पहने, मैं बोल रहा हूँ कि आपका अच्छा एक ड्रेस होना चाहिए। आपके घर में जो कोई भी अच्छा ड्रेस है, पुराना है, उसको आप धोइए, इस्त्री करिए, प्रेस करिए, प्रोस्पेक्ट के पास जाने से पहले, कस्टमर के पास जाने से पहले। आप जब तक अच्छे नहीं दिखेंगे तो आपका नहीं होगा सेल, ये आप ध्यान में रखिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते, क्या है, प्रोस्पेक्ट के पास जब जाते हैं, कस्टमर के पास जब जाते हैं तो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब खावा के जाते हैं, तो तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं और उसके होठों से नीचे वो बह जाता है रस वगैरह। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, आपको एकदम अच्छा दिखना चाहिए। कभी भी सिगरेट, तंबाकू ये सब खा के मत जाइए, आपके मुंह से कोई भी बास नहीं आना चाहिए। एकदम फ्रेश हवा, जब आप बात करेंगे तो मुंह से एकदम फ्रेश हवा निकलनी चाहिए। ये फिजिकल क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी कस्टमर को आप अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले ये अपने अंदर ये चेंजेस जरूर कर ले। पॉइंट नंबर टू, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। मेंटल क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होनी जरूरी है। साइकोलॉजिकल क्वालिटी, साइकोलॉजिकल क्वालिटी क्या है, आपको अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करना है कि प्रोस्पेक्ट क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, प्रोस्पेक्ट को क्या देने से बेहतर है। जब थोड़ा सा क्वेश्चन करे तो आपको पता चलना चाहिए कि वो चाहता क्या है। वो साइकोलॉजिकल क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करनी जरूरी है। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आप थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के बुक्स पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल में कुछ ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर वीडियोज है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, क्या करना है, उन सब के ऊपर वीडियोज है, आप उसे देख सकते हैं। मेंटल क्वालिटी क्या डेवलप करना है, मेंटल क्वालिटी ये है कि प्रोस्पेक्ट बहुत बार आपको क्या करेगा, उल्टा सीधा सवाल करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो आपका जो मुद्दा है उससे आपको हटना नहीं है। आपने कुछ एक चीज आपने बोला, एक पॉइंट को बोला कि ये प्रोडक्ट तो ऐसा है, ये प्रोडक्ट तो ये बढ़िया है, अगर जबरदस्त कोई कस्टमर हुआ तो वो आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, वो उल्टा सीधा सवाल आपको पूछेगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। तब आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, उसको जो आपने जवाब दिया है उस पर अड़े रहना, वो सही देना है। देखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट को जब आप रिटेल करने के लिए किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो ऑनेस्ट रखिए आपने अंदर, ऑनेस्टली आप प्रोडक्ट के रिव्यूज दीजिए, प्रोडक्ट के जो क्वालिटीज है उसको बताइए, प्रोडक्ट के जो इंफॉर्मेशन उसको जरूर बताइएगा। पॉइंट नंबर थ्री, हैव नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपनी। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के जितने सारे नॉलेजेस है जो आप लेके जा रहे हो उसका इंफॉर्मेशन आपके पास पूरा होना चाहिए। टूटी फूटी इंफॉर्मेशन से आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ, किसी कस्टमर के पास मत जाइए। फिर से बोल रहा हूँ, अधूरा नॉलेज लेकर आप किसी कस्टमर के पास मत जाइए। आपका अधूरा नॉलेज वो कस्टमर आपसे दूर जा सकता है, ठीक है।
आपको क्या करना है, पूरा नॉलेज लीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, कंपनी कैसा है, कहाँ से है, कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, कंपनी कितना स्ट्रांग है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है वो कितना बेस्ट है, उसकी क्वालिटी क्या है, इन सब के ऊपर आप थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास अगर उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप अपने जो सीनियर है, जो आपको ट्रेन करता है इसके बारे में, उसके साथ थोड़ा बैठिए और ज़्यादा जानकारी लीजिए। जितना सटीक जानकारी आप लेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। पॉइंट नंबर 4, गुड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन स्किल, ये आपको डेवलप करनी जरूरी है, यू शुड टू डेवलप। आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना कैसे है कस्टमर के साथ, कस्टमर के साथ क्या पहले बात करना है, कैसे बात करना है, कस्टमर को क्या बात करने से उसको पसंद आएगा, उस पर आपको थोड़ा फोकस करनी जरूरी है। इसलिए अपने कम्युनिकेशन के स्किल को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करिए। इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस दिए हैं, पर्सनल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। पब्लिक रिलेशन, किसके साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए, कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए, लोगों के साथ कैसे अच्छे व्यवहार करना चाहिए, इन सब के ऊपर आपको थोड़ा बहुत आपको सीखने की ज़रूरत है, कुछ स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। इन सब के ऊपर आप डिटेल्स में मेरे वीडियोस को देख सकते हैं फ्री। उससे भी अगर बेहतर अगर कुछ चाहते हैं तो आप मेरा जो कोर्स लीडरशिप एज, उसमें मैं डिटेल्स में इन सब के ऊपर बताता हूँ। 2 महीना में आपको गाइड करूँगा कैसे अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप करनी है और भी बहुत कुछ, बिजनेस को, सेल्स को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या करना है, इन सब के ऊपर मैं डिटेल्स में गाइड करता हूँ। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप आइए, जानिए कोर्स के डिटेल्स को, जानिए मैं आपको आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में 100% मदद करूंगा। पॉइंट नंबर 5, कॉन्फिडेंस नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास नहीं होगा आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जीवन में सफल बनने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास आपका ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील ना हो जाए, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपके अंदर ईगो आ जाता है। ईगो को अपने अंदर आने मत दीजिए, ईगो को आप रोक दीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए। नहीं, मैं तो सेल कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को सेल कर सकता हूँ, मैं ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके अंदर डेवलप करनी ज़रूरी है। इसके लिए आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, हमेशा बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, ये जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोथ होगा। पॉइंट नंबर 6, मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। जी हाँ, आपको क्या करना है, ऑप्टिमिस्टिक बनना है, आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक बनना है। ये ऑप्टिमिस्टिक बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे तो रिजेक्शन आपको मिलेगा। किसी प्रोडक्ट को लेकर किसी के घर में जा रहे हैं तो बंदा बोलेगा नहीं, ये इसमें ये खराबी है, ये नहीं है, ये महंगा है, वो है, रिजेक्शन आपको मिलेगा। जब आपको रिजेक्शन मिलेगा तब आपको ये सोचना है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट में जाऊंगा तो जरूर सेल होगा। आपको वो पॉजिटिवनेस अपने ब्रेन में रखना है। ये जब तक नहीं रखेंगे ना तो आप 10-12 कस्टमर जाने के बाद आप ना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे और घर पे चले जाएंगे। तो अच्छा सेल्समैन कभी अपने फील्ड को नहीं छोड़ता, अच्छा सेल्समैन अपने गोल को पूरा करने से पहले मैदान से हटता नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, रिजेक्शन आएंगे उसको एक्सेप्ट करिए, रिजेक्शन मिल रहा है तो नेक्स्ट में आपको एक्सेप्टेंस ज़रूर मिलेगा, ऐसा सोच के जाइएगा। पकड़ कर रखिए बिजनेस को, 100% आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हो वो सेल कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। पॉइंट नंबर 7, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। जी हाँ, आपको क्या करना है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना है। ज़्यादा अपने ब्रेन को इस्तेमाल मत करिए सेल्स के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में, क्योंकि आपको अगर कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई अगर सिखा रहा हो तो उसको आप सीखिए। क्यों वो सिखा रहा है, क्योंकि उसने पहले एक्सपीरियंस किया है इस फील्ड में, तो उसको पता है द राइट वे, जो राइट वे सही वे आपको दिखा रहा है। आप उसमें जाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, गड़बड़ कर देंगे, फिर बोलेंगे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क इस्तेमाल करो। स्मार्ट वर्क क्या कहता है, जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं उन सब से आप एक्सपीरियंसेस को लीजिए और उन एक्सपीरियंसेस को आप अपने फील्ड में अप्लाई करिए तो जल्दी से जल्दी ग्रोथ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8, गुड बिहेवियर। जी हाँ, आपको हमेशा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। देखिए, फील्ड में जाएंगे, आड़े तेरे कस्टमर्स मिलेंगे, बहुत सारे कस्टमर्स आपको इरिटेट करेंगे, उल्टा सीधा सवाल करेंगे, आपको डर भी दिखाएंगे कुछ कस्टमर कि ये तो बहुत गंदा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, लोगों का ये कर देगा वो कर देगा, आपको डर भी दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आएंगे, आपको कुछ उल्टा सीधा भी सवाल कर देंगे, आपको गुस्सा भी आएगा। अगर आपको अच्छा सेल्समैन बनना है, बेस्ट सेल्समैन बनना है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। जी हाँ, रिएक्ट कभी नहीं करना है। जब भी कोई कस्टमर ऐसा बोले तो एकदम ठंडे दिमाग से बोलिए, कोई बात नहीं सर, मैं बहुत खुश हुआ,
आपका रिव्यू पाकर, जी हाँ क्या बोलना है आपको, आपका रिव्यू पाकर मैं बहुत खुश हुआ, मैं इस बारे में सोचूंगा, इसका ध्यान आगे से रखूंगा, गुस्सा नहीं करना है, वहां से निकलिए, क्योंकि बाद में फ्यूचर में वो आपका कस्टमर बन सकता है, ये आप हमेशा याद रखिए। पॉइंट नंबर नाइन कहता है बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल रहना है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर आपको टाइम देंगे, आपको बुलाएंगे, इस टाइम पे आ जाओ भाई, तो आपको क्या करना है, उस टाइम से जाना है, उस टाइम से 5 मिनट पहले आप जाकर उसके घर में आप रह जाइए। इससे क्या होगा, आप अकाउंटेबल है, आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस है, वो दिखाएगा। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, अकाउंटेबल रहने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 10, कैपेसिटी ऑफ लिसनिंग। जी हाँ, बहुत खतरनाक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आपके पास सुनने की क्षमता होनी चाहिए। किसी कस्टमर के पास जा रहे हो, ज्यादा बकबक मत करो, पहले कस्टमर की बातें सुनो, कस्टमर क्या बोल रहा है, वो क्या चाह रहा है। आपके पास 10 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट को बेचने से पहले आप कस्टमर से थोड़ा सुनो, कस्टमर की बातें सुनो, कस्टमर कैसा है, क्या है, ये आपको ह्यूमन बिहेवियर समझने की जरूरत है। जब आप कस्टमर से थोड़ा अपने घर के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा, किस टाइप का कस्टमर है, तो आपको आसानी होगी। जैसा उसका टाइप होगा, उसी टाइप में आप बात करेंगे तो जल्दी वो पट जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, कनेक्शन उसके साथ बनाना है। कनेक्शन बनाएंगे कैसे, आपको लिसनिंग पावर को आपको डेवलप करना है। कस्टमर बोलेगा आधा घंटा 15 मिनट, उसके फैमिली के प्रॉब्लम के बारे में बोलेगा, पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बोलेगा। आपको ये नहीं बोलना, नहीं मेरे पास टाइम नहीं जाना, अगर आपको बेचना है तो थोड़ा बहुत लिसनिंग की पावर को आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। कस्टमर बोलेगा थोड़ा बहुत आप सुनिए, उसको अच्छा लगेगा। जब आप सुनेंगे ना तो वो बोलेगा अरे यार ये इतना देर मेरी बातें सुन रहा है, तो कम से कम एक तो प्रोडक्ट उससे लेना बनता है बोल के वो ले भी लेगा। ये क्वालिटीज आपने अंदर डेवलप करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप क्या एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, जी हाँ सर मैं एक अच्छा और बेस्ट सेल्समैन हूँ, जी हाँ कमेंट में लिखिए मैं बेस्ट सेल्समैन हूँ, ठीक है। नए इस चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक ठोके, अगर अच्छा लगा हो तो इसको सबके साथ शेयर करें, अपने टीम मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। नमस्कार एंड बाय बाय।